السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحك الله بالخير العربي سهل لا صعب عربي آسان ہے نہ کہ مشکل جناب بابو بھائی سوپاری والا گرلز پرائمری اسکول धोरण 8 विषय अरबी विषयांक पार्ट 23 इसमें इशारा मुशारुन इलै। आज हम पार्ट 23 का स्वाध्याय नंबर 2 और 3 पढ़ेंगे। स्वाध्याय नंबर 2 और 3 में हम क्या पढ़ेंगे, खाली जगह पूरो। आया समझ में? चलो अरबी शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। दुआ पढ़ने के फौरन बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्कूल की वीडियो आसानी के साथ मिल जाए। رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ورزقني فهما ربي زدني علما ورزقني فهما بسم الله الرحمن الرحيم هذا هذه هذا هذه بنني ما تھی جے یوگی ہوئے تے نہ تھی خالی جگہ پورو آیا سمجھ میں هذا એટલે આ هذه એટલે પણ આ آیا سمجھ میں دونوں کا مطلب کیا ہے آ हाजा मुजक्कर के लिए है नर जाति के लिए और हाजी मोनस के लिए है नारी जाति के लिए। तो हमको क्या है खाली जगह देख के पुरनी है। चलो पहले खाली जगह क्या है, अल हमामू। क्या है? अल हमामू। खाली जगह असौरू, खाली जगह अल हदीकतू, खाली जगह अल जमीलू, खाली जगह अल जामेतू। तो देखो पहला क्या है, अल हमामू। अल हमामू इटले बाथरूम, अल हमामू इटले बाथरूम। तो बाथरूम क्या है, मुजक्कर है नर जाती, तो इसके लिए क्या आएगा, हाजा हाजल हमामू आ बाथरूम। आया समझ में, हाजल हमामू आ बाथरूम। आगे देखो असौरू, असौरू इटले बड़द, असौरू इटले बड़द। बड़द बड़द क्या है, मुजक्कर है नर जाती, तो इसके लिए क्या आएगा, हाजा हाजा सौरू आ बड़द। आया समझ में। तीसरा देखो अल हदीकतु, अल हदीकतु क्या है, मोनस है। क्या है, मोनस है, क्योंकि इसके आखिर में गोलता है। अल हदीकतु एटले बगीचो। आया समझ, तो इसके लिए क्या आएगा, हाजी हाजी हिल हदीकतु आ बगीचो। आया समझ में, मुजक्कर के लिए आएगा हाजा आएगा और मोनस के लिए हाजी ही। आगे देखो अज़मीलु, अज़मीलु एटले मित्र। तो मित्र क्या है, मुजक्कर है, तो इसके लिए क्या आएगा, हाजा हाजा ज़मीलु हाजत जमीलू आ मित्र। पांचवा देखो अलजामियातु, देखो इसके आखिर में गोलता है, तो ये क्या है, मोनस है नारी जाती, तो इसके लिए क्या आएगा, हाज ही हाज हिल जामियातु आ यूनिवर्सिटी। आया समझ में, पहले के साथ क्या आएगा, हाजल हमामु हाजत सौरु हाजिल हदीकतु हाजत जमीलु हाज हिल जामियातु। आया समझ में। चलो आगे, तिलक स्वाध्याय नंबर 3, तिलक जालिक बनने माथी जे योग्य है तेनाथी खाली जगह पूरो। तिलक एटले ते, जालिक एटले ते। तिलक मोनस के लिए है नारी जाति के लिए और जालिक मुजक्कर के लिए यानी के नर जाति के लिए है। आया समझ में। चलो खाली जगह अलबाबू, खाली जगह अद्दफ्तरु अलमिस्तरतु अत्तय्यिबतु अलमरीजतु। तो देखो पहले खाली जगह क्या है, अलबाबू, अलबाबू एटले दरवाजो, अलबाबू एटले दरवाजो। दरवाजो क्या है, मुजक्कर, तो इसके लिए क्या आएगा, जालिक जालिक अलबाबू ते दरवाजो। आया समझ में, जालिक अलबाबू ते दरवाजो। दूसरा क्या है, अद्दफ्तरु, अद्दफ्तरु एटले बैग नोटबुक, दोनों इसका मतलब दोनों आएगा। आया समझ में, अद्दफ्तरु तो मुजक्कर है कि मुअन्नस, ये मुजक्कर है नर जाती, तो किसके लिए क्या आएगा, जालिक अद्दफ्तरु ते बैग ते नोटबुक, दोनों चलेगा। आया समझ में। आगे देखो अलमिस्तरतु, अलमिस्तरतु एटले फुटपट्टी, तो एक मुजक्कर है के मोनस है, मोनस है, क्योंकि अलमिस्तरतु इसके आखिर में गोलता है। आया समझ में, तो इसके लिए क्या आएगा, तिलक तिलक अलमिस्तरतु। आया समझ में। आगे देखो अत्तय्यिबतु, अत्तय्यिबतु एटले स्वच्छता, तो देखो इसके आगे गोलता है, इसलिए क्या है, मोनस है, तो क्या आएगा, तिलक अत्तय्यिबतु। आया समझ में। आगे देखो अलमरीजतु, अलमरीजतु क्या है, मोनस है, क्योंकि किसके आखिर में गोलता है नारी जाति है। आया समझ, तो इसके लिए क्या आएगा, तिलका आएगा, क्या आएगा, तिलका। तिलका किसके लिए होता है, नारी जाति के लिए होता है। तो तिलकल मरीजतु ते दर्दी, ते स्त्री दर्दी। आया समझ में। तो पहले के साथ जालिकल बाबू, दूसरे के साथ जालिकत दफ्तरु, तिलकल मिस्तरतु, तिलकत तय्यिबतु, तिलकल मरीजतु। आया समझ में। चलो स्वाध्याय नंबर 2 और 3 क्या है, नोटबुक में अच्छे राइटिंग से कितनी मरतबा लिखना है, एक मरतबा, कितनी मरतबा,
एक मरतबा। अरबी जब जब लिखते जाओ तब तब क्या है, अरबी बोलते जाओ ताकि क्या है, अरबी लिखते भी आ जाए और बोलते भी आ जाए। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद।